दहेज समाज की एक कुप्रथा है, जो जानते तो सब हैं, लेकिन फिर भी इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए काम नहीं करते, बल्कि और बढ़ावा ही देते हैं। ये कलंक है जिसकी वजह से कई बार माता पिता अपनी बेटी को बोझ समझने लगते हैं, क्योंकि उसकी शादी में उन्हें भारी भरकम दहेज देना होता है। बेटी के जन्म लेते ही माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। दहेज नाम का दानव माता पिता और उनकी बेटी के बीच रिश्ते में वो प्यार नहीं पनपने देता जिसके माता पिता और बेटी दोनों ही हकदार हैं। लेकिन तब क्या हो जब माता पिता तो मजबूरी वश बेटी के लिए दहेज तैयार करें, बेटी को उसकी शादी पर दहेज दें, लेकिन जिस लड़के को उन्होंने अपनी बेटी के लिए चुना है वो ही दहेज लेने से इनकार कर दे। जी, ऐसा एक मामला सामने आया है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से, जहां एक लड़के ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। जी, लड़के वालों के सामने 11 लाख कैश और आभूषणों से भरा थाल हो और लड़के वाले इस जमाने में उसे लेने से मना कर दें, तो वाकई ये बात काबिले तारीफ है। सोचिए, वो समय है जब शादियों में हर साल फिजूल खर्ची और दहेज लेने देने का सिलसिला बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में समाज की इस कुरीति के खिलाफ चलकर कोई समाज को आईना दिखा दे तो कितनी बड़ी बात है। दूल्हे सौरभ चौहान ने दहेज में मिले 11 लाख और आभूषण लौटाकर वाकई एक नई मिसाल पेश की है। 1 रुपए में शादी रचाई तो घराती और बरातियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मूल रूप से बंगला पिथौरा निवासी और वर्तमान में शहर के रामपुरी में रहने वाले विजय सिंह का बेटा सौरभ चौहान लेखपाल है। सौरभ की शादी तितावी क्षेत्र के लखान गांव की बेटी प्रिंसी के साथ तय हुई थी। शुक्रवार को बारात गांव में पहुंची, घरातियों ने बारातियों की जबरदस्त तरीके से खातिरदारी की। शादी की रस्में शुरू हुई तो दुल्हन पक्ष ने दहेज में 11 लाख रुपए नकद सोने चांदी के जेवर भेंट किए। दूल्हे सौरभ चौहान ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में आगे बढ़कर दहेज में मिली नकदी और सोने चांदी के आभूषण लौटा दिए। सौरभ ने सिर्फ 1 रुपया शगुन का लेकर प्रिंसी संग शादी रचा ली, जिसे देख शादी में मौजूद हर एक शख्स दूल्हे की तारीफ करते नहीं थक रहा था। हर कोई दूल्हे के इस नेक कदम के बारे में बात कर रहा था। प्रिंसी, जो कि लखन गांव की बेटी है, मेडिकल की पढ़ाई कर चुकी है। प्रिंसी के पिता फौजी क्षेत्र के गणमान्य लोगों में शामिल हैं। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद बैंक में काम करते हैं और ऐसा दूल्हा पाकर वाकई खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। प्रिंसी भी तो इतना काबिल समाज को आईना दिखाने वाले सौरभ चौहान से ब्याह रचाकर कितने खुश हैं, वो उन्हीं से जान लेते हैं। घटना ये थी कि मतलब जो गोरे की जो रस्म होती है ना, तो उसमें मतलब जो देते हैं, मतलब कि कैश वगैरह देते हैं और ये जो आभूषण वगैरह मतलब ये सब देते हैं, तो मतलब कि मेरे घर वाले जो दे रहे थे ना, मतलब जैसे सब भी देते हैं सबके, मतलब कि जो एक लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो देते हैं कि चलो भाई हम लड़की दे रहे हैं तो मतलब देना चाहिए, मतलब होती है उनकी थिंकिंग। लेकिन इन्होंने ये लेने से इनकार कर दिया, तो फिर मुझे लगा, मतलब जब मुझे ये बात पता लगी बाद में, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा भाई क्या हुआ जो मना कर दी, कहीं कम तो नहीं है, कुछ और बात तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं है, मतलब कुछ और बात। लेकिन फिर पता लगा कि मतलब कि ये ना, मतलब इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। और ये था कि भाई पढ़ने लिखने का ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर प्राइवेट होती है कि मतलब कि हमें कैश वगैरह चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये वो, मतलब ये बहुत गलत है, मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम पढ़ ले तो हम फिर ये सब चीज़ों की डिमांड रखें, जिससे कि मतलब कि और भी घर वाले होते हैं कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे ना अगला जो इंसान होता है, जैसे कि लड़की वाले होते हैं, उन पर मतलब एक तरह का ना प्रेशर ही होता है। उनके पास क्या पता कि भी है कि नहीं है, उनके पास कहीं लोन का भी कुछ जुगाड़ पानी है कि नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये सब नहीं होना चाहिए। जैसा हुआ है मतलब बहुत अच्छा हुआ है, और इनसे मतलब बहुत वो ही है। जब आपको पता लगा कि आपके पति द्वारा आपके पिता ने जो पैसा दिया था वो ठुकरा दिया, किस तरह शॉक हुई आप, क्या क्या विचार आपके दिमाग में आए? मेरे मन में यही विचार आए कि मतलब क्यों लौटा दिए, मतलब कम तो नहीं थे या फिर कुछ और बात है। फिर आपने कैसे पता कराया? मैंने फिर मतलब जो मेरे कज़न थे, मैंने उनसे पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब उनकी कोई डिमांड ही नहीं है उन्होंने, इसलिए। तो आपके पति ने एक अनोखी पहल की है। हाँ जी, दहेज बिन शादी। जी, और मैं चाहती हूँ कि मतलब सब ऐसे ही मतलब करें। प्रिंसी को जैसे ही बात पता चली वैसे ही वो डर गई कि कहीं
कम होने की वजह से कोई नाराजगी तो नहीं या कोई और बात तो नहीं हो गई जिस वजह से सौरभ ने दहेज लेने से इनकार कर दिया। लेकिन असल में तो सौरभ चौहान खुद ही इस दहेज नाम के डंग से समाज को मुक्त बनाना चाहते हैं। तभी तो इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से की है और लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। सौरभ चौहान ने एक नजीर पेश की है, समाज को बताया है कि लड़का लड़की एक बराबर है तो फिर लड़की के माता पिता दहेज के नाम पर भारी भरकम रकम और आभूषण क्यों दें? ऐसे हमारे समाज में जो गोरे की रस्म होती है उसमें एक व्यवस्था है, दहेज ही है। दहेज वो वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को कुछ नकदी आभूषण और बहुत सारे सामान होते हैं जो इस व्यवस्था में दिए जाते हैं, जो समाज के लिए गलत है। तो क्या हुआ उस रस्म के दौरान अचानक? मैंने इस जो दहेज की वो चीज़ें थी उसे स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार न करने का कारण है कि ये गलत है। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, पर समाज में जागरूक होना भी ज़रूरी है। हमें पहचान होनी चाहिए कि इस व्यवस्था में ये गलत है या सही है। जब हम जानते हैं कि दहेज व्यवस्था गलत है तो जब अब खुद का मेरा नंबर था तो मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। दहेज के रूप में ससुराल पक्ष क्या दे रहा था और आपने उनके मान सम्मान के लिए फिर क्या किया? दहेज पक्ष की ओर से 11 लाख रुपए और आभूषण थे और बहुत सभी सामान थे जो शादी में दिए जाते हैं, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। मान सम्मान के लिए आप बताया जा रहा है 1 रुपया रख दिया। हाँ, फिर अब ये है उन लोगों के लिए, मान सम्मान के लिए भी उन्हें भी ऐसा लगा कि कहीं ये रकम या राशि उन्हें कम तो नहीं है, तो उस मान सम्मान के लिए 1 रुपया स्वीकार किया। और मैं बारात में भी 5 लोगों को ही लेके गया था कि भाई इतनी बड़ी बारात ना हो, वधू पक्ष के लिए समस्याएं ना हो, ठीक, क्योंकि आज की डेट में शादी करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सारी व्यवस्थाएं, गरीब परिवार शादी के लिए लोन लेता है, लोन लेने में समस्या है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि शादी जो है बड़ी सादगी से होनी चाहिए। हाल किस तरह का संदेश देना चाहेंगे लोगों? बस पूरे समाज के लिए एक संदेश यह है कि आप शिक्षित होने के साथ साथ जागरूक भी हों, सही गलत का पता हो, और दहेज व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है अगर उसे अभी से प्रयास करें। हालांकि सरकार ने कानून बनाए हैं, कई एक्ट है, पर उसके बावजूद भी इस चीज़ में कोई रोकथाम नहीं है और आए दिन इसकी वजह से भाई लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं दहेज के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग जागरूक हों, कम हो जाए समाज में, तो बहुत बेहतर है। ये भी कॉपी करना चाहिए हर समाज में, जो लोग भी ये लगे। हम मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि जनप्रतिनिधि भी मुझसे संपर्क में करके बधाई दे रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। उस धनराशि से कितना अच्छा है कि हर आदमी आपका सम्मान कर रहा है। इतनी अच्छी पहल है कि मेरा मानना है कि सबको करना चाहिए। अक्सर देखने को मिलता है कि शादियों में ज्यादा से ज्यादा दहेज की मांग की जाती है। अगर लड़का अच्छे पद पर हो या सरकारी नौकरी वाला हो तो लड़की के परिवार को और ज्यादा बड़ी रकम देने के लिए कहा जाता है। ऐसे लोगों को मुजफ्फरनगर के सौरभ चौहान ने एक बहुत बड़ी सीख दी है। आप बताइए, क्या आपने सौरभ चौहान की इस सीख से कुछ सीखा या नहीं? दूल्हे सौरभ चौहान के समाज की कुरीति को खत्म करने की दिशा में उठाए गए इस कदम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर। We'll be right back.